प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद में तेज बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्वी यूपी और पश्चिम यूपी के कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि यूपी में भारी बारिश का दौर अब शुरू होगा। अभी तक हल्की और मध्यम बारिश हो रही थी। ये समझिए कि ये बारिश का सिर्फ ट्रेलर था। कानपुर में मंगलवार को 2 घंटे में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं यूपी में मंगलवार को कानपुर, लखनऊ, मऊ, फतेहपुर, हमीरपुर, आगरा, मेरठ, प्रतापगढ़, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, कौशाम्बी, बांदा में तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से काफ़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।